करूंगा अपना संबोधन। भारत के माननीय आदरणीय राष्ट्रपति श्री राम कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभापति जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधानमंडल के माननीय सदस्य, पत्रकार एवं मीडिया साथी, आप सभी का इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं इस गौरवशाली विधानमंडल में भारत गणराज्य के राष्ट्रपति, भारतीय गणराज्य के संरक्षक आदरणीय श्री राम कोविंद जी का इस विधानमंडल के सदस्यों द्वारा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से भारतीय राजनीति एवं शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण योगदान एवं अग्रणी भूमिका रही है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश की माटी ने चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लहिड़ी जैसे अनेक महान सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने प्राण निछावर कर दिए। इस अवसर पर यह याद करना जरूरी है कि स्वाधीनता आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण मांग अपने देश के लिए अपना कानून की थी, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व देश हमारा था और राज व कानून अंग्रेजों के थे। सिर्फ सालों के गिनने से यूं ही नहीं मन सकता कोई आजादी के जल से, वो तो जुल्म और सितम, नाइंसाफी, भेदभाव, खौफ से आजादी पर है मनते। जब तक हमारे देश में भेदभाव दूर नहीं होगा तब तक किसी भी आजादी का कोई मतलब नहीं। इसलिए आज भी कोई भी कितने ऊंचे पद पर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी भेदभाव का शिकार न हुआ हो। बिना बराबरी के कोई भी आजादी बेमानी है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के स्वर्णिम इतिहास को भी याद करना जरूरी है, जिसकी पहली बैठक 8 जनवरी 1887 को इलाहाबाद के थर्नहिल मेन मेमोरियल हॉल में हुई थी। वर्ष 2013 में समाजवादी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के गौरवीय 125 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर शती रजत जयंती भव्य रूप से मनाई गई। भारतीय गणराज्य के कई महत्वपूर्ण विषयों पर एक सार्थक दिशा में उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश विधानमंडल की यादगार भूमिका रही है। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाने की पहल सन 1937 में उत्तर प्रदेश विधानमंडल में ही शुरू हुई, जिसे समाजवादी सरकारों ने हमेशा आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। हिंदी उर्दू साथ रहे, आजादी की कुर्बानी में वतन क्षमा के परवाने जलते रहे थे भरी जवानी में। अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह ने जोड़े प्रेस कहानी में, तब अंग्रेज गया भारत से आग लगा कर पानी में। समाजवादी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अमूलचूल सुधार किए गए। इस अवसर पर उन महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करना जरूरी है, जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हम आज विधानमंडलों में अपने राज्यों के लिए कानून बनाने की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल को इस बात का गर्व है कि स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शख्सियतें इसकी सदस्य रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री पर सुशोभित होने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्री चौधरी चरण सिंह एवं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी सदन के सदस्य रहे। समाजवादी चिंतक आचार्य नरेंद्र देव, श्री नाज नारायण जी ने और सुधारवादी चिंतक सर सैयद अहमद खान ने इस विधानमंडल की शोभा बढ़ाई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रखर चिंतक एवं महान समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम लोहिया भी उत्तर प्रदेश के ही थे। जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष हेतु विधायिका का एक सशक्त फोरम है। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि विधायिका अधिक से अधिक दिनों के लिए मिल सके,
प्रतिपक्ष को विभिन्न माध्यमों से अपनी बात कहने का मौका अधिक से अधिक मिलना चाहिए, तभी संसदीय लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। उत्तर प्रदेश ने संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए इस बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि इस व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाएं और सरल करें। हम सबके लिए गौरव की बात है कि माननीय राष्ट्रपति जी उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे प्रदेश के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिलेगी। उत्तर प्रदेश की गरिमा, समृद्धि, संस्कृति और संस्कार की प्रतिष्ठा पर आज नहीं आने देनी है और इन सारे संकल्पों के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन अवश्य रहे। आपके मार्गदर्शन में भारत केवल प्रगति के पथ पर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि भारतीय संविधान